बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इफ माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर प्लीज रेज योर हैंड। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्लास? ओके स्टूडेंट्स, प्लीज बी ऑन टाइम। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट आते हैं, और कोई आता है कोई चला जाता है, इतना से मत किया करें। वंस आप एक बार एंटर हो जाते हैं तो आप लीव मत किया करें क्लास को। सो टुडे हम करेंगे जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोरी डिस्कस की थी, मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था स्टोरी का, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की थी, हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट्स, और फिर हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किया था। आर्टिकल्स क्या होते हैं? द एंड आर द आर्टिकल्स, जिसको हमने फाइंड आउट किया था इन द पैसेज और अंडरलाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ब्लैंक्स को फिल किया था विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो अबव। नेक्स्ट देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नॉइज इन द स्ट्रीट एंड व्हाट वाज हैपनिंग देयर। ठीक है, यहाँ पर आपको आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। फर्स्ट इज व्हाट वाज द नॉइज इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में किस किस्म का शोर था, एंड व्हाट वाज हैपनिंग देयर, वहां पर क्या हो रहा था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट का आंसर देंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे व्हाट वाज द, लिखेंगे अबाउट व्हाट वाज द नॉइज इन द स्ट्रीट। प्रिंसेस बदरुल बदूर, प्रिंसेस बदरुल बदूर, इसके स्पेल याद कर इसको सिलेबस देखें स्टूडेंट्स, बदरुल बदूर। आपने पेपर में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी, बिकॉज ये जो चैप्टर है आपका इंक्लूडेड है इन योर पेपर्स। सो आपने इसकी जो स्पेलिंग है प्रिंसेस बदरुल बदूर, आपने इसकी स्पेलिंग्स बहुत अच्छे याद करनी है। ठीक है, अगर ये आपको मुश्किल लगते हैं तो आपने सिलेबस में याद करने, देयर आर 4 सिलेबस। बदरुल बदूर, प्रिंसेस बदरुल बदूर वॉज पासिंग बाय, पासिंग बाय का मतलब होता है गुजर रही थी, शी वॉज पासिंग बाय का मतलब होता है वहां से गुजरना। ठीक है, बाय द स्ट्रीट एंड एवरीवन वाज रशिंग टू गो इनसाइड। प्रिंसेस बदरुल बदूर वाज पासिंग बाय द स्ट्रीट्स, प्रिंसेस बदरुल बदूर स्ट्रीट्स के पास से गुजर रही थी। ठीक है, एंड एवरीवन वाज रशिंग, रशिंग का मतलब होता है तेजी से दौड़ते दौड़ना, वॉज रशिंग टू गो इनसाइड। ठीक है, जो कोई भी मार्केट प्लेस पे उस जगह पर बाहर फिर रहा था, सबके सब जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, क्योंकि प्रिंसेस बदरुल बदूर ने वहां से गुजरना था, तो सबके सब अंदर को जा रहे थे। ठीक है, अपनी अपनी जगह पर वापस जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड अलादीन आस्क हिज मदर टू डू। ठीक है, जब अलादीन घर वापस आया और अलादीन ने अपनी मदर को बताया, तो अलादीन ने अपनी मदर को क्या करने के लिए कहा। अलादीन आस्क्ड हिज मदर, अलादीन ने अपनी मदर से कहा टू टेल द किंग, के वो किंग को जाके बताए दैट ही वांटेड टू मैरी हिज डॉटर, के वो किंग की डॉटर से शादी करना चाहता है। व्हाई वाज द वजीर अनहैप्पी। द वजीर वाज अनहैप्पी बिकॉज, वो अनहैप्पी क्यों था, बिकॉज ही वांटेड हिज सन टू मैरी प्रिंसेस बदरुल बदूर, बिकॉज वो चाहता था कि उसका बेटा प्रिंसेस बदरुल बदूर से शादी करे, दैट्स व्हाई ही वाज अनहैप्पी टू हियर द प्रपोजल। व्हाट वाज द किंग्स रिप्लाई टू अलादीन्स मदर ऑन हर प्रपोजल। अलादीन की मदर ने जो प्रपोजल दिया था किंग को, उस पे किंग का रिप्लाई क्या था। किंग रिप्लाइड दैट Aladdin has to wait for 3 months. जो proposal Aladdin की मदर ने किंग को दिया था, तो इस पर किंग ने क्या रिप्लाई किया था कि
अलादीन हैज टू वेट फॉर 3 months. अलादीन को 3 months के लिए, 3 months के लिए वेट करना पड़ेगा. What did Genie bring with him in his hands? Genie अपने हाथों में क्या लेकर आया? The Genie brought, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो आपने टेंस का ख्याल रखना होता है, ठीक है? जहां कहीं पर भी डेट आ जाता है तो वहां पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है? बिकॉज ऑफ दैट डेट, जबकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, आस्क इज द फर्स्ट फॉर्म. लेकिन जब हम इसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, हम इंटरोगेटिव्स में से हम जब इसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो ये सेकेंड फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक है? आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है. यहाँ पर भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब वॉज था और आपने आंसर में भी वॉज को यूज किया, ठीक है? नेक्स्ट देखें यहाँ पर, व्हाट डिड जिनी ब्रिंग विद हिम इन हिज हैंड्स. तो डिड की वजह से हम ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज ब्रॉट, ठीक है? ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. इसी तरह से एक और वर्ड होता है जिसको जिससे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दैट इज बाय. बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, इट्स विदाउट आर, ठीक है? ब्रिंग में आर आता है तो ब्रॉट में भी आर आता है. आपने इस चीज को याद रखना है और ये मिस्टेक आपने पेपर्स में नहीं करनी, जो कि आप अक्सर आप पेपर में करते हैं. द जिनी ब्रॉट प्रिंसेस बदरुल बदूर. प्रिंसेस बदरुल बदूर प्रॉपर नाउन. प्रिंसेस पी कैपिटल, बदरुल बदूर बी शुड बी ऑलवेज कैपिटल बिकॉज इट्स अ नेम. जिनी ब्रॉट प्रिंसेस बदरुल बदूर इन वन हैंड एंड द वजीर सन इन द अदर. जिनी लेकर आया प्रिंसेस बदरुल बदूर को अपने एक हाथ में और वजीर सन, जिसका हमें नाम नहीं पता, को अपने दूसरे हाथ में लेकर आया. हाउ मेनी सर्वेंट्स डिड जिनी ब्रिंग एंड व्हाट वर दे कैरिंग. जिनी कितने सर्वेंट्स को लेकर आया था और तमाम सर्वेंट्स ने क्या पकड़ा हुआ था, व्हाट वर दे कैरिंग. द जिनी ब्रॉट 50 सर्वेंट्स, ठीक है, फॉर द मैरिज. द जिनी ब्रॉट 50 सर्वेंट्स. सर्वेंट्स के स्टूडेंट स्पेलिंग देख लें, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ई लगाते हैं, यहाँ पर ए आता है, ठीक है? सर्वेंट, एस ई आर वी ए एन टी, सर्वेंट. द जिनी ब्रॉट 50 सर्वेंट्स एंड ईच ऑफ देम वर कैरिंग. और हर उनमें से हर कोई उसने क्या उठाया हुआ था, गोल्ड कॉइन्स उठाए हुए थे इन अ डिश. Why did Wazir's son refuse to marry the princess? Wazir ke bete ne princess se shaadi karne se kyun inkaar kar diya, jisko hum kal bhi discuss kar chuke hain, theek hai? He got scared aur jab wo wapas aaya to use ye laga ke that princess is a witch, to usne shaadi karne se inkaar kar diya. So same is the answer. The Wazir's son refused, theek hai? Refuse ki second form lagayenge hum, refused. The wazir's son refused because he thought, kyunki wo ye sochta tha, that the princess is a witch, ki princess ek jadugarni hai, witch hai. What did Aladdin ask from king? Aladdin ne king se kya request ki thi, usse kya kaha tha? Aladdin asked the king for some land near the palace. Aladdin ne king se request kya ki thi ki wo usko पैलेस के करीब कोई कुछ लैंड लेकर दे. व्हाट डिड द किंग सी व्हेन ही वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग. जब उसने उसे रिक्वेस्ट की कि उसे पैलेस के पास कोई जमीन कोई लेकर दे, तो उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग में. द क्वेश्चन इज व्हाट डिड अलादीन, व्हाट डिड द किंग सी. किंग ने क्या देखा जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग जागा. The king saw, king ने देखा, a wonderful palace, उसने एक wonderful palace देखा. It shone, shone is the second form of shine, shone is the second form of shine. It shone with gold and jewels. जो garden था, जो जगह थी, वो किससे चमक रही थी, gold और jewels से वो चमक रही थी. And all round it, उसके चारों gate was garden full of beautiful फ्लावर्स. और उस पैलेस के गिर्द में
जो गार्डन्स थे और जिसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें। द किंग्स आ वंडरफुल पैलेस, किंग ने एक वंडरफुल पैलेस देखा, शानदार पैलेस देखा। इट शोन, शोन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ शाइन, जो कि गोल्ड और जूल से चमक रहा था। और उस पैलेस की ऑल राउंडेड, उसके चारों गेट गार्डन था फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जिसके ऊपर जिसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। नेक्स्ट देखिए, हु डिड नॉट एंजॉय द वेडिंग, वेडिंग को किसने एंजॉय नहीं किया? द वजीर डिड नॉट एंजॉय द वेडिंग। ठीक है, वजीर ने वेडिंग को एंजॉय नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा प्रिंसेस बदलुबदूर से शादी करे। एक्सप्लेन हाउ द मैजिशियन गॉट द मैजिक लैम्प, आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन मीन्स टू से, ये आंसर आपका बिट लेंथी होगा, जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है हाउ, कैसे। ठीक है, द मैजिशियन गॉट द मैजिक लैम्प, मैजिशियन ने मैजिक लैम्प हासिल किया। द मैजिशियन पुट ऑन हिज ओल्डेस्ट क्लोथ्स, मैजिशियन का जो प्लान था वो क्या था कि वो ओल्डेस्ट अपने क्लोथ्स को पहनेगा। एंड बोट अ लॉट ऑफ चीप न्यू लैम्प्स, और वो बहुत कम कीमत में न्यू लैम्प्स को लाएगा। ठीक है, दिस वॉज हिज प्लान। ही स्टार्टेड टू सेल न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, उसने न्यू लैम्प्स को सेल करना शुरू कर दिया रिप्लेसमेंट में ओल्ड लैम्प्स की। व्हेन द प्रिंसेस हर्ड इट, जब प्रिंसेस ने उसकी आवाज सुनी, ही वाज सेइंग दैट कि आप न्यू लैम्प्स ले लो इन रिटर्न ऑफ योर रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर योर ओल्ड लैम्प्स। शी गेव द मैजिक लैम्प फॉर न्यू वन। ठीक है, और इसी तरह से उसने लैम्प को हासिल कर लिया। उसने अपने ओल्डेस्ट क्लोथ पहने और उसने बहुत सारे चीप न्यू लैम्प्स खरीदे, और उसने गली में आवाज लगाना शुरू कर दी कि जो कोई भी है अपना, कोई भी न्यू लैम्प लेना चाहता है तो वो ओल्ड के बदले में मुझसे न्यू लैम्प ले सकता है। ठीक है, और जब इसको प्रिंसेस ने सुना तो उसने मैजिक लैम्प दे दिया एक न्यू लैम्प लेने के लिए। उसने सोचा कि अलादीन खुश हो जाएगा, अलादीन को वो सरप्राइज करना चाहती थी, तो दैट्स व्हाई उसने सोचा कि मैं अलादीन को सरप्राइज कर दूंगी ये दिखा के कि मैंने उसका ओल्ड लैम्प बेचकर न्यू लैम्प ले लिया इन रिटर्न ऑफ इट। नेक्स्ट देखें, व्हाट डिड द मैजिशियन आस्क फ्रॉम जिनी आफ्टर गेटिंग द लैम्प। जब जिनी को, जब मैजिशियन ने जिनी को हासिल कर लिया, ठीक है, तो उसने जिनी से क्या कहा? What did the magician ask from Ginny after getting the lamp? जब मैजिशियन ने लैम्प को हासिल कर लिया तो उसने जिनी से क्या कहा? The magician asked the genie, मैजिशियन ने जिनी से कहा, to take Aladdin's palace and everyone in it. ठीक है, उसने क्या कहा कि अलादीन का पैलेस और उसमें जो कुछ भी है वो सब का सब ले लो, ले आओ। He ordered to put it down in the middle of Africa. और फिर उसने जिनी को क्या हुक्म दिया कि वो लाओ और उसको अफ्रीका के मिडल में जाकर रख दो। द मैजिशियन आस्क द जिनी टू टेक अलादीन्स पैलेस एंड एवरीवन इन इट। ठीक है, जो कोई भी इसके अंदर है और पैलेस फुल का पूरा पैलेस मेरे पास ले आओ। और उसने हुक्म दिया उसको कि जाके उसे अफ्रीका के मिडल में जाकर रख दो। व्हाई डिड द किंग सेंड His soldiers. अब यहाँ पे students देखें, send is the first form, जो कि हम because of the did हमने use की है first form, लेकिन जब आप इसको answer करेंगे affirmative के अंदर तो हम send की second form use करेंगे, that is sent. The king sent his soldiers to get Aladdin and threw him in the prison. किंग ने क्या ऑर्डर किया अपने सोल्जर्स को जब उसने देखा बाहर के पैलेस भी गायब है और उसकी जो डॉटर है वो भी वहां पर मौजूद नहीं है, तो उसने क्या हुक्म दिया अपने सोल्जर्स को? उसने सोल्जर्स को भेजा कि अलादीन को वो ले आए और उसको प्रिजन में डाल दें। प्रिजन किसको कहते हैं? जेल को। और उसने हुक्म दिया सोल्जर्स को कि अलादीन को लेकर आए और उसको प्रिजन में डाल दें। व्हाट डिड द जीनी ऑफ द रिंग रिप्लाई टू अलादीन? जीनी ऑफ द रिंग ने अलादीन को क्या रिप्लाई किया? ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर है इसमें वी हैव टू जीनीज, जीनी ऑफ द रिंग एंड जीनी ऑफ द लैम्प।
ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन किससे है रिलेटेड? जिनी ऑफ द रिंग से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है. व्हाट डिड द जिनी ऑफ द रिंग रिप्लाई टू अलादीन? द जिनी ऑफ द रिंग रिप्लाइड, जिनी ऑफ द रिंग ने क्या रिप्लाई किया? आई एम वेरी सॉरी सर, मैं बहुत ज्यादा माजर खां हूँ. आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर दैट, मैं इसके लिए, इस काम के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ. ठीक है, जब अलादीन ने जिनी को कहा था, जिनी ऑफ द रिंग को कहा, जब उसे इस चीज का शक हुआ कि जरूर मैजिशियन ने मुझसे मेरा पैलेस और प्रिंसेस को वो ले गया है, तो उसने क्या हुक्म दिया जिनी ऑफ द रिंग को कि तुम तो मेरा पैलेस और वो तमाम चीजें जो सब कुछ वो पैलेस के साथ लेके जा चुका है प्रिंसेस, उसको वापस ले आओ. तो जिनी ऑफ द रिंग ने क्या रिप्लाई किया कि आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर दैट, मैं इस काम के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं हूं. ठीक है, व्हाट डिड अलादीन टेल द प्रिंसेस टू डू टू गेट द लैंप बैक? अलादीन ने प्रिंसेस को क्या एडवाइस की थी कि वो किस तरह से लैंप को हासिल कर सकते हैं वापस? अलादीन टोल्ड द प्रिंसेस, अलादीन ने प्रिंसेस को बताया, उसने इसे क्या कहा? इट्स द सेम लाइन, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे स्पीच पे. टेल हिम दैट, उसको ये बताओ दैट यू आर एग्रीड टू मैरी, तुम शादी के लिए राजी हो, बट गिव हिम मेडिसिन टू मेक हिम स्लीप, लेकिन तुम उसको मेडिसिन दो ताकि वो सो जाए. आफ्टर दैट यू कैन टेक द लैम्प, और उसके बाद तुम लैम्प को ले सकती हो. नेक्स्ट देखिए, हु ब्रॉट द लैम्प बैक एंड हाउ, कौन लैम्प को वापस लेकर आया और कैसे? ठीक है, आपने दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं, लैंप को वापस कौन लाया था और कैसे लाया था. ठीक है, अलादीन ब्रॉट द लैंप बैक, अलादीन लैंप को वापस लेकर आया विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसेस, प्रिंसेस की मदद से एंड द जिनी ऑफ द रिंग. ठीक है, जिनी ऑफ द रिंग जिसने अलादीन को वहां तक पहुंचाया, अफ्रीका तक पहुंचाया. ठीक है, तो अलादीन ब्रॉट द लैंप बैक विद द हेल्प ऑफ प्रिंसेस एंड द जिनी ऑफ द रिंग. He made a plan to bring the lamp back while the magician was sleeping. उसने एक प्लान बनाया कि वो किस तरह से लैंप को वापस हासिल कर सकता है जबकि while the magician was sleeping, जबकि magician सो रहा था. So students, इसके questions जो है वो काफी easy है. दो चार क्वेश्चन है जो बिट लेंथी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपने इसे लर्न करना है, याद करना है. कल मैंने आपसे क्वेश्चंस के आंसर्स ये सुनने हैं. ठीक हो गया, आपने ये जो चैप्टर है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. कल मैं आपसे क्वेश्चनिंग से ही स्टार्ट करूंगी एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट द चैप्टर. आपने इसे रीड किया हुआ है, मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकती हूँ, आप फिलिंग द ब्लैंक्स ब्लैंक्स पूछ सकती हूँ, वर्ड्स मीनिंग सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद नहीं करते हैं, सेंटेंसेस आप बना लेते हैं लेकिन जो मीनिंग है उसको आप इतना फोकस नहीं करते हैं. ठीक है, तो आपने वर्ड्स मीनिंग प्लस सेंटेंसेस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ब्लैंक्स को याद करना है जो कि स्टोरी से बिल्कुल रिलेटेड है. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ये भी बहुत इजी है. सब्जेक्ट का आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? दैट रिसीव्स एन एक्शन. ठीक है, जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, जिस पर काम होता है. उसके बाद हमने आर्टिकल्स देखे थे, फिर हमने गैप्स को फिल किया था विद द वर्ड्स अबव, और फिर हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको याद करना है. आई होप कि आप हर लेक्चर के साथ साथ लेक्चर का काम याद कर रहे हैं, इसीलिए एट द एंड ऑफ द वीक, जो लास्ट आप हमारा दिन होगा मींस से थर्सडे, उसमें मैं आपसे क्वेश्चंस किया करूंगी रिलेटेड टू द चैप्टर लेक्चर्स जो कि हमने प्रिपेयर किए हुए हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन. अगर आप कोई भी क्वेश्चन है जो कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द लेक्चर, ठीक है, लेक्चर से रिलेटेड, अगर लेक्चर से रिलेटेड होना चाहिए, अदरवाइज आई विल नॉट आंसर यू. लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी. ठीक है,